तुम्हें पता है रामायण किसने लिखी थी? रामायण, रामायण वाल्मीकि जी ने। लास्ट ईयर तुमने दो साल पहले दूरदर्शन पर रामायण आती थी, देखी थी? एक्चुअली वो रामायण नहीं थी, वो रामचरित मानस थी, मालूम है तुम्हारे को? अच्छा, रामचरित मानस किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? हम लोगों ने जो देखी वो रामचरित मानस देखी बेटा, पर चूंकि रामायण संस्कृत में लिखी गई थी इसलिए वो हमें समझ में नहीं आती, इसलिए हमको क्या दिखाई गई थी। अब मैं आता हूँ रामायण पर। रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि जी। आपको मालूम है वाल्मीकि जी जब उन्होंने रामायण लिखी उससे पहले वो डाकू थे, पता है आपको? वो डाकू थे, वो चोर थे, वो हत्यारे थे। क्या थे वो? उन्होंने बहुत सारे लोगों की हत्या भी करी थी, जीव जंतुओं की भी और मानवों की भी। अब उसके बाद में उनको भी कुछ अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ और वो कुटिया में एक बार प्रवचन दे रहे थे। क्या दे रहे थे? जैसे अभी मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, है ना, ऐसे कुटिया में वो क्या दे रहे थे? प्रवचन दे रहे थे। और आपके जैसे कुछ बच्चे बैठे हुए थे, कुछ लोग बैठे थे जो उनके प्रवचन सुन रहे थे, ठीक है? और जब उनके प्रवचन सुन रहे थे तो एक आदमी दौड़ते दौड़ते आया कुटिया में और चिल्लाने लग गया कि तुम किस पाखंडी की बात सुन रहे हो? तुम जिसकी बात सुन रहे हो, जो तुमको प्रवचन दे रहा है, जो सोकॉल्ड बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तुमसे, ये खुद तो एक बहुत बड़ा पाखंडी है, पापी है। इसके ऊपर तो बहुत सारी नर हत्या, नारी हत्या के आरोप है। इसने बहुत सारे जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाया, चोरी करी, डकैती करी, तो ये तुम्हें क्या अच्छी बातें सिखाएगा? तो जब उस व्यक्ति की बातें सबने सुनी तो सारे के सारे लोग उठ के क्या हो गए? वहां से चले गए। अरे बोले, हम किसकी बात सुन रहे हैं? ये तो खुद क्या है? पाखंडी है। इसकी बातें हमको सुनना नहीं, ये तो खुद गलत इंसान है, ये हमको क्या सही बातें सिखाएगा? तो सारे लोग उठ के चले गए और एक व्यक्ति वहां पर रह गया, वो नहीं गया। एक व्यक्ति वहां पर रहा, वो नहीं गया। तो बाद में वाल्मीकि जी ने उससे पूछा कि जब तुमने मेरी इतनी कमियां, मेरी इतनी खामियां, मेरी इतनी मिस्टेक्स, मेरी इतनी सारी तुमने समस्याएं सुनी, तो तुम उठ के क्यों नहीं गए? बाकी सब तो चले गए। तो उस व्यक्ति का जवाब था, बोले, वाल्मीकि जी, आप कितने ही गंदे इंसान रहे हो, आप कितने ही खराब इंसान रहे हो सकता है आज भी खराब इंसान हो, पर आप आज हमें क्या सिखा रहे हो? अच्छी बातें। तो आप हमें अच्छी बातें सिखा रहे हो और मैं आपसे अच्छी बातें सीखने आ रहा हूं। जिस दिन आपने हमें खराब बातें सिखाना शुरू कर दी, तो भले ही आप अच्छे इंसान रहो, मैं सबसे पहले उठ के चला जाऊंगा। आई बात समझ में? क्या बोला कि जिस दिन आप हमें इन बातें, जिस दिन आप हमें खराब बातें सिखाओगे, उस दिन मैं उठ के चला जाऊंगा। इट इज इमटेरियल हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर, आप कैसे व्यक्ति हो वो मैटर नहीं करता, आप क्या अच्छी बातें सिखा रहे हो वो मायने रखता है। तो हम कई बार क्या होता है, कभी किसी से कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलती भी हैं, तो हम क्या करते हैं, उसकी कमियां, उसकी खामियां ढूंढने लग जाते हैं कि इसकी क्या क्या खराबी है, हमें क्या सीखना है वहां पर, क्या सीखना है। तो हमें क्या करना है बच्चों, आपको कहीं से कोई खराब व्यक्ति भी मिलता है तो आपको क्या करना है, अच्छी बातें सीखनी। और दुनिया में बहुत सारी अच्छी बातें, बहुत सारी इतनी अच्छी बातें कि हम एक जन्म या 10 जन्म में भी नहीं सीख सकते, तो जितनी अच्छी सीख सके उतनी अच्छी हम सीखते चले, ठीक है? अगेन हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। नाउ होप यू ऑल पीपल विल स्टार्ट स्टडी, बिकॉज दिस मंथ योर एग्जाम इज गोइंग टू फॉल।